یُس یہِ کٲنُر چھُ مطلب اَتہِ کیاہ چھُ یہِ خاص کیاہ چھُ اَتہِ یہِ حظ چھُ اَتہِ گوٚب شالم دار اچھا ٹھیٖک یُس زَن ہیٚرِ کَنۍ چھُ سُہ اَسان سُہ چھُ اوٚنمُت تٔمۍ حبجہِ پٮ۪ٹھ تُلِتھ اکھ اچھا ٹھیٖک پَتہٕ ییٚلہِ ییٚتہِ روٚٹُن کینٛژَس ٹایمَس أمۍ کٔر کٲم أمۍ دِتُس نہ مےٚ گژھِ عیال ہیٚتھ برونٛٹھ چھِ دَپان برونٛٹھ ٲسۍ پرٛٲنۍ وَنان دَپان ٲسۍ دَپان اَفسَر صاحب تُلوُنۍ اَکھ تَمہِ وقتَس آسہِ ہے خۄدا دوستٕے خۄدایَن کوٚر رُتُے تٔمۍ ہَسا تُل تیٚلہِ ٲس تُرٛواہ کِلوٗ سۭتۍ تُرٛواہ سیر کٲشِر تَمہِ ساتہٕ اوس سیر तो ये रही फाइनली यहाँ पर कान्यूर की गुफा। तो असल में इसको क्या बोलते हैं, इसको असल में द्रेगाम बोलते हैं, कैसर पर चाह द्रेगाम वाना मतलब खुद कहीं दिशा द्रेगाम ही। हाँ जी, तो क्या हाल है आप लोगों के, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र पड़ रहा है, आज हम निकले हैं बडगाम की तीसरी वाली सीरीज़ पे। तो आपको भी पिछली वाली वीडियोस में मैंने पहले ही कहा है कि हम अभी बडगाम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में पहले ही बोल के रखा था। तो पहले हम गए थे एक वाले रास्ते से जिसको पारनुवा बोलते हैं, फिर हम गए थे दूसरे वाले रास्ते से जिसको ज़्यादापुरा रोड बोलते हैं। तो आज हम जाएंगे तीसरे वाले रोड से जिसको बोलते हैं खान साबुन रोड, लेकिन हमें खान साबुन जाना नहीं है, हमें जाना है एक्चुअली में कान्यूर बोलते हैं उसको। तो आज हम आप लोगों को कान्यूर रोड दिखाएंगे और अभी हम पहुंच चुके हैं मेन बडगाम ओल्ड बडगाम बस स्टैंड में। तो चले जी, अभी आज की जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ दूसरा एक फ्रेंड है, आज हम अकेले घर से नहीं निकले क्योंकि मम्मी ने भी पहले ही बोला था अकेले नहीं जाना, किसी को साथ उठाना, और मुझे वहाँ का रास्ता पूरा पता नहीं था, तो जिसके कारण हमें एक फ्रेंड को अपने साथ उठाना पड़ा। तो इससे आप लोगों को आगे मिलवाते हैं। तो पिछली बार हम गए थे यहाँ से राइट साइड से, आज हमें राइट नहीं जाना, आज हमें जाना है सीधे स्ट्रेट रोड से जाना है। तो यहाँ से भी जो थोड़ा बहुत जो ब्यूटी है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब उतना ज़्यादा प्यारा रोड तो नहीं बोल सकता हूँ, बट यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और यहाँ की जो सीनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यहाँ से चढ़ाई मिलने वाली है जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा अपनी बाइक को। फिलहाल हम ट्रक के पीछे फंस चुके हैं पहले ही स्टार्टिंग में ही। और जी, हम पहुंच चुके हैं अभी काजीबाग, और काजीबाग के यहाँ राइट साइड में था एक आस्थान, मुझे नहीं पता आस्थान का नाम क्या है। तो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं, इसको बोलते हैं एजगाम, जहाँ से सबको पता होगा, जहाँ से दूधपत्री वाला रोड जाता है और जाता है चरारी शरीफ वाला रोड। एजगाम तो पहले ही आता है, अगर आपको चरारी शरीफ जाना है ना तो आप लोगों को जरूरी एजगाम आना ही पड़ेगा अगर आप बडगाम वाले साइड से आते हो। ओ भाई साहब, और मुझे आगे नजर पड़ रही है, आगे हम ट्रैफिक हो गया थोड़ा बहुत, हम तो फंस गए। लो जी, अभी हम एजगाम पहुंच चुके थे और यहाँ पर हम फंस चुके हैं एक छोटे मोटे से ट्रैफिक जाम में। तो अभी धीरे धीरे आराम आराम से ही चलना पड़ेगा। तो जी भाई साहब, अभी चेक कर लो, अभी हम पहुंच चुके हैं क्रेमशेयर, तो इसको क्रेमशेयर ही बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मुझे ग्रीनरी देखनी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से ग्रीनरी ग्रीनरी है। और चले आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ का मुझे टोटल नहीं पता यहाँ का रोड कैसा है, आगे कितना ज़्यादा दूर जाना है, बट वहाँ पर कान्यूर एक बार मैं गया था स्कूटी पे। और देखो, यहाँ पर हम फिर से फंस चुके हैं छोटे से ट्रैफिक में। ये रहा ट्रैक्टर, यहाँ से ज़्यादा टिपर वाले नहीं चलते, यहाँ से ज़्यादा ट्रैक्टर वाले ही चलते हैं। तो आगे असल में चल रहे हैं छोटे छोटे बेड, जिनकी वजह से अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत ये गाड़ियाँ फंस गई। तो यहाँ से बकरे चल रहे हैं, छोटे छोटे बकरे, जो कि मुझे लगता है अब कुर्बानी ईद भी आने वाली है, और इनके साथ कुत्ता भी है। देखो, ये जो ये बकरवाल कुत्ता होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खूंखार होता है, अगर ये किसी को काटेगा ना उसका बचना तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जंगलों में पलता है। बाकी मुझे नहीं पता हम सेम वाले मतलब सही वाले रास्ते से चल रहे हैं या हम कोई रास्ता भटक गए, तो वो तो आगे जाके किसी से पूछना पड़ेगा कि अगर हम भटक गए तो हम किधर पहुँचे। अभी चेक कर लो, हम अभी इस वाले पुल से चल रहे हैं, एक छोटा सा पुल हमें मिला यहाँ पर, तो नीचे से पानी भी बह रहा है, जिसको कोई सिर पर अच्छा और वना बन के अर्थ, तो शायद इसी को कान्यूर का वो आरा बोलते हैं, मुझे कश्मीरी में पता है इसको अच्छा और वना बाकेचन में पाई किया। रोड भी बहुत खतरनाक है, यहाँ से पतला है बट बहुत ही डेंजरस रोड है। यहाँ से ऐसा फील हो रहा है अभी हम जंगल वाले रास्ते से चल रहे हैं, तो वो तो शुक्र है मैंने आज अपने एक फ्रेंड को अपने साथ उठाया था, जिसके कारण उतना ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा। तो अगर मैं अकेले आता तो मैं थोड़ा बहुत डर जाता, क्योंकि इतना भी पता नहीं था अगर मैं खो जाऊंगा ना तो फिर कहाँ पहुँचूँगा। हमें शायद यहाँ से राइड जाना है, हाँ जी राइड का सुन। तो आज आप लोगों को कान्यूर का ये दिखाएंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो चलो पहले बाइक को पार्क करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो जी भाई साहब, अभी हमने बाइक वहाँ पर गेट के बाहर रख दी है और हम पहुँच चुके हैं कान्योर, इसको पार्क बोलते हैं। असल में इसके अपोजिट एक और गांव है जिसको द्रेगाम बोलते हैं, जहाँ पर कि शेखुल आलम जो थे उनके दो बेटे दफन हैं, ऐसा मैंने सुना था। बाकी मुझे नहीं पता ऐसा सच में है या नहीं, मैंने बाहर सुना था, दो तीन बंदों ने ऐसा बोला था, पूरा मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर चढ़ाई देखने को मिल रही है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो फ्रेंड था ना वो आगे बढ़ रहा है और हमारी हालत दिखाता हूँ। तो चलो जी अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को थोड़ा बहुत पार्क दिखाते हैं फिर वापस आते हैं। तो बाकी अभी मेरी सांस फूल रही है यहाँ पर चढ़ते चढ़ते, और हमारा देखो फ्रेंड यहाँ से चढ़ रहा है। तो आप लोगों को दिखा दूँ मेरी हालत क्या हो गई। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। असल में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, ये डिटो जो है निशात, वैसे ही गार्डन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो आपको आगे दिखाते हैं। तो चेक कर लो यहाँ की पार्क कितनी ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि आपने निशात में देखा होगा, तो सेम यहाँ की जो पार्क है ना निशात में जैसा देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पर भी है। बीच में पानी चलता है जैसे निशात में। तो असल में आप लोग इसको निशात की कॉपी भी समझ सकते हो। तो ये है कान्योर बडगाम, तो आगे अस्तान भी है ऊपर जहाँ पर गुफा एक है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज तो वैसे मुझे यहाँ से पानी नहीं दिख रहा, सूखा सूखा सा लग रहा है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, देखो डिटो निशात की तरह है, गार्डन सी गार्डन देखने को मिलता है और नीचे भी दो तीन गार्डन्स हैं। चलो अभी ऊपर चढ़ते हैं। और तो जी भाई साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था हम ऊपर तक चढ़ेंगे, और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये आस्थान है जिसका नाम है क्या बोला था आपने, हबशा। तो आस्थान हबशा है यहाँ। तो आगे गुफा भी है, तो वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बस इन्होंने बोला 5 मिनट लगेंगे। बस मुड़ के जाते हैं, हमने सलाम कर दी, तो यहीं से वापस मुड़ के जाते हैं और आप लोगों को आगे और भी शॉट्स दिखाते हैं। तो बाकी यहाँ से चेक कर लो यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। देखो हम पूरी ऊँचाई पर आ चुके हैं। चलो अभी हमें यहाँ पर आस्थान में सलाम करनी थी, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो अभी यहाँ से चेक कर लो, अभी हम इस वाले पतले से रास्ते से जा रहे हैं आगे। तो चलो केव की तरह जाते हैं, मतलब गुफा की तरह जाते हैं। इतना छोटा सा पतला सा रास्ता यहाँ से देखने को मिल रहा है और नीचे से खाई भी है, तो संभाल के चलना। तो असल में इसको क्या बोलते हैं, इसको असल में द्रेगाम बोलते हैं, कोई सिर्फ प्रचार द्रेगाम आना, मतलब खुद कहीं से द्रेगाम ही आना। मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही दिखाया कि यहाँ से इतना पतला रास्ता मिलता है गुफा में जाने के लिए, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को गुफा भी दिखाएंगे। अंदर तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अंदर जा पाऊँगा, तो ये जाएगा अंदर, जाऊँगा अंदर, ये जाएगा अंदर। बट मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर दिल का हूँ, मैं डरता हूँ अंदर जाने से। तो चलो आगे बढ़ते हैं गुफा की ओर, फिर आप लोगों को डायरेक्टली वहीं पर मिलते हैं। तो भाई साहब यहाँ से चेक कर लो, थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा है, देखो कैसे हमें नीचे इन सीढ़ियों से उतरना है। तो बस बोल रहे हैं कि आगे जाना है, और हमारे पीछे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। तो देखो हमें कहाँ से नीचे उतरना है। किधर जा रहे हो? गुफा में। गुफा में? चलो चलो आराम से चलना। देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उतर रहे हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं अभी नीचे उतरने से। देखो कितना चिल्ला रहे हैं, आराम से उतरना इनको। देखो हमारा बंदा जो है ना इनकी हेल्प कर रहा है नीचे उतरने में। तो देखो कितने सारे हैं, पहले इनको नीचे उतारते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बाकी चेक किया कितना ज़्यादा खतरनाक था यहाँ पर नीचे उतरना। देखो अभी हम कहाँ से चल रहे हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी कोई रास्ता जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ जाते हैं यहाँ से, बट हमें आगे जाना है गुफा की ओर। छोटे बच्चों को भी हमने उतार दिया है। तो जी बस पहुँच चुके हैं हम गुफा तक। तो ये रही फाइनली यहाँ पर कान्योर की गुफा, जो कि द्रेगाम है, कान्योर के अपोजिट है ये। चलो देखो छोटे बच्चे अंदर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं अंदर जा पाऊँगा। भाई साहब चेक कर लो, देखो हमारा बंदा रहा, इससे एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो ये रहा हमारा बंदा, इसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार मैं बहुत डर गया अंदर से, कसम से। लाइट है अंदर? नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। तो मैंने आपको पहले बोला था, इसने बोला अंदर ब्लाइंड ही ब्लाइंड है, थोड़ा बहुत डर लगता है। तो ये बंदा आधे रास्ते तक भी नहीं गया, थोड़ा सा अंदर गया और वहाँ से वापस आ गया। तो चलो अभी हम दूसरे वाले रास्ते से वापस निकलते हैं। चेक कर लो यहाँ से, देखो कितना ऊंचा है ये रो, मतलब रास्ता, मैं रोड बोल रहा हूँ। तो यही से अभी चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मुश्किल है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। हो भाई, बाकी भाई साहब इतना ज़्यादा ऊंचा है ना, मुझे इतना मतलब स्लिप हो रहा है यहाँ से। हमारा बंदा आगे पहुँच गया, तो ये हम पहुँच गए थे, असल में इसको द्रेगाम बोलते हैं। तो द्रेगाम वाले जंगल से अभी हम चल रहे हैं। तो ये शॉर्टकट है वो वाला जो जाला है ना जहाँ से हम आए थे, तो अगर हम वहाँ से पहले ही आते तो वो शॉर्टकट हो जाता, कोई बात नहीं। देखो मुझे क्या हो रहा है,
तो जो हमारे साथ बंदा था ना पहले तो ये बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अभी बोल रहा है कि जब मैं अंदर गया अंदर ऐसा लग रहा था अंधेरा ही अंधेरा, कहीं मैं पता नहीं किधर पहुंच गया। तो ये बंदा वहीं से वापस आ गया, अभी हम भी वापस निकलते हैं। तो और क्या, थोड़ा बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, मेरी सांस फूल रही है कसम से, क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मैं थक गया ना। पहले मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाएंगे वो ये वाले गार्डन्स, बट देखो अभी हमने शॉर्टकट किया, अभी हम साइड साइड से चल रहे हैं जहाँ से जो ये खाई है। रुक कश्मना कैनूर का छी, यू गो कैनूर, यू गो कैनरुक बाग, हु गो अस्तान, हुपर छ गोफ। तो अस गए गोफ मज तट पट आई वापस, तो बस युत पकसा तेल ना, बस शुक्रिया, सेहत सेहत खुद का, चलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब देखो कितनी ख़तरनाक वाली चढ़ाई है यहाँ पर, तो डर लगता है चढ़ाई से नीचे उतरने में। तो यहाँ पर जो ये दो बंदे बैठे थे ना शॉप पे, इन सब ने थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा की कि इसको बोलते क्या है, यहाँ पर हैं क्या। चलो अब हम यहाँ से निकल गए, तो इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर अस्थान है ये आया है साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका से, जिसका नाम है हबशा, और जो गुफा है ये निकलती है चरारी शरीफ में वहाँ से। तो हमने बोला कोई अंदर गया है या नहीं, उन्होंने बोला अंदर तो कोई नहीं गया अभी तक, बट सुनने में आए हैं जो कि हमारे बुज़ुर्ग थे ना, ये मतलब सैन बुज़ुर्ग तम ब्रोट तक गमित, मगर यह पे गोडन तम चंग तिमन लगान सोशुर तील, तो तमे मूजूब यूत तमो तील उस नमो मको सो, मगर तम हे नोर वत कहें, तो तमें तम वापस तमित कहें, यह बोजना तल बा मे पू पा कह पजर क यह सान बुजर्गन वन इत कमित कम तम बुजर्ग ब्रोट, तो तम पत वापस आमित क्या। बाकी आजकल नहीं पता, आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं बट ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर एक और बात बोली कि यहाँ पर जो रास्ता है ना आगे वो बंद है, पता नहीं वो इन्होंने किया है, किसने किया है वो किसी को नहीं पता, रास्ता बंद कैसे हुआ है, ये राज होते हैं कुछ जो छुपे रहते हैं। तो अभी हम इस जंगल से वापस जा रहे हैं, हम कानूर से निकल चुके हैं। तो बाकी मुझे क्या लगता है, बाकी आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में और कुछ नहीं था, बस हमने सोचा आज कानूर तक जाएंगे, बाकी मज़ा आया यहाँ जाके। तो बाकी हम क्या करते हैं, बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी नई सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बात पे मुझे अभी भी हंसी आ रही है, जो हमारा बंदा था ना जो हमारे साथ था, तो ये इस बंदे ने पहले कितने कॉन्फिडेंट से कहा कि मैं अंदर जाऊंगा गुफा के अंदर, बट जब ये अंदर गया ना फिर जल्दी से वापस आ गया, बोल रहा है कि अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा है ना अंदर डर लगता है, क्योंकि जब ये अकेला ही आगे गया फिर ये वापस आ गया, क्योंकि आगे भरोसा भी नहीं है अगर कोई जंगली जानवर भी अंदर घुसा होगा, इतना भी किसी को मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ठीक असल पे छु, तु वो मैं कत अस कानूर मतलब अत क्या खास क्या अस्थान गए गोफ मे खूच वापस अच्छा ठीक हेरिकन अस्थान सोमुत हब अच्छा ठीक पे रोकन कैंस टाइम अम कर दस अल हे ठीक अनक तुम कबरे पुल कबरे दफन गोफ कटार्ट अच्छा बुत ना बुझ्त ब्रोट असल साहब तुलवन वक्त खुदा दोस खुदा रुत तम तुल तेल तुवा तुल तुवा शेर तम सात शेर चाल सोंग हे चाल पा गो पकान पकान अड़ जा जड़कें पकुन मगर सोंग अस्स सह वोत जाए बुथ दरिया अच्छा बस तम तन फिर वापस ये तौर बे आव वापस वोत गलिस तक सू तील मोकलो तो चलो चलो शुक्रिया बस असल वीडियो बनान बहुत थोड़ा लुकन हावान अत रिलेटेड क्या इनफॉर्मेशन दिवान ये वीडियो क्लिप हा बहु तुम खल चलो चलो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम अस नेरो बाय। देखो
यहाँ पर चाचा जी मिल गए ना, इनसे हमने थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है ना कलेक्ट कर दी। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा यमो वो सोरी कशिर पे, तो ये दलील अत पत् क्या कि मैं बस बुजर्ग मे दिन खत आंसे पत ही। बाकी देखो कुत्ता तो हमारे बाइक के नीचे ही आने वाला था। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी नई सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।